बिहार व झारखंड के महिला चिकित्सकों का 3 दिवसीय कार्यशाला व सम्मेलन आगामी 11 से 13 नवंबर को भारतवर्ष के कई राज्यों से 300 से ज्यादा डेलीगेट्स के आने की मिली स्वीकृति। सर्जरी और अल्ट्रासाउंड के नए आयाम पर दिया जाएगा प्रशिक्षण। पूरे बिहार व झारखंड के महिला चिकित्सकों का 3 दिवसीय सम्मेलन आगामी 11 से 13 नवंबर को भागलपुर में होने जा रहा है, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इस कार्यक्रम का पहला दिन JLNMCH अस्पताल मायागंज में होगा। साथ ही 12 और 13 नवंबर को JLNMCH नौलखा में वैज्ञानिक सत्र का कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम की ऑब्सगाइनी सोसाइटी भागलपुर की प्रेसिडेंट और इस कार्यक्रम की चेयरपर्सन रेखा झा ने बताया कि भागलपुर के लिए काफ़ी हर्ष की बात है कि अपने क्षेत्र में 3 दिवसीय महिला चिकित्सकों का कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बिहार झारखंड की महिला चिकित्सकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं उन्होंने बताया कि ट्रेनर के रूप में बाहर से कई विशेषज्ञ आ रही हैं। कार्यक्रम के तहत चिकित्सा में नए आयाम पर चर्चा की जाएगी। 11 नवंबर को सर्जरी डिपार्टमेंट मायागंज अस्पताल में वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा और 12 और 13 नवंबर को उद्घाटन वैज्ञानिक सत्र बैंक्वेट सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 300 से अधिक डेलीगेट्स के आने की स्वीकृति मिल चुकी है, जो पूरे भारतवर्ष के कई राज्यों से आ रहे हैं। वहीं उड़ीसा से डॉक्टर PC महापात्रा, दिल्ली से निकिता त्रेहान, अहमदाबाद से डॉक्टर सुमन चौधरी, पटना से पूनम दीक्षित, अल्ट्रासाउंड सिखाने के लिए धनबाद से हेनु उपाध्याय के अलावे दर्जनों चिकित्सक भागलपुर पहुँच रही हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में महिला चिकित्सक की पूरी टीम लगी हुई है। किसी को भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए बिजली, पानी, खाने, रहने की सुविधा विशेष तौर पर की गई है। भागलपुर के लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ पूरे बिहार और पूरे झारखंड के महिला चिकित्सकों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका जो है डेट है 11, 12 और 13 नवंबर। 11 तारीख को वर्कशॉप्स होगा, जो कि सर्जरी डिपार्टमेंट में JLNMCH में होगा, और 12 और 13 को वैज्ञानिक सत्र और बैंक्वेट जो होगा, कल्चरल प्रोग्राम और इनॉग्रेशन वगैरह होगा, वो जो है JLNMCH नौलखा कोठी में होगा। इसमें अनुमानित हमारे डेलीगेट्स जो हैं 300 से ऊपर हैं, जो पूरे बिहार झारखंड से ही नहीं, पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं। मुंबई से हैं, कोलकाता से हैं, और भी जो है अहमदाबाद और मतलब काफ़ी जगह से हैं, जो कि फॉक्सी के डिग्नेटरी हैं, मतलब जो हमारे फेडरेशन जो होता है ऑल इंडिया लेवल पर, उसके जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनमें से बहुत लोग आ रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा होने की आशा है। उद्देश्य है कि वैज्ञानिक नया जो डेवलपमेंट्स है उसके बारे में जानना, उसी का सर्जरीज होगा, जो उड़ीसा से डॉक्टर PC महापात्रा आकर के सर्जरीज करेंगे, दिल्ली से डॉक्टर निकिता त्रेहान आकर के सर्जरीज करेंगी, और अहमदाबाद से डॉक्टर सुमेश चौधरी आ रहे हैं, और पटना से भी कुछ लोग आ रहे हैं जो कि सर्जरी करेंगी, डॉक्टर पूनम दीक्षित, और धनबाद से अल्ट्रासाउंड सिखाने के लिए डॉक्टर रेणु उपाध्याय आ रही हैं, और निहारिका मल्होत्रा आ रही हैं आगरा से, वो भी वर्कशॉप करेंगी। पटना से डॉक्टर आभा रानी सिन्हा भी वर्कशॉप करेंगी। तो इतने लोग जो है सिखाने के लिए आ रहे हैं। ये ट्रेनिंग होता है, जो डॉक्टर का जो भी हमारा जो पढ़ाई लिखाई होता है उसको टाइम टू टाइम जो है उसको, उसमें जो प्रोग्रेस आया उसके लिए जो है वैज्ञानिक सत्र करने का बात होता है। और हमारे इस प्रोग्राम को 10 CME पॉइंट्स भी मिला है, एक्रेडिटेशन पॉइंट्स जो बोलते हैं, वो भी मिला हुआ है। मैं भागलपुर ऑब्सगाइनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट डॉक्टर रेखा झा हूँ, और इस पूरे अधिवेशन की ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन मैं हूँ।